स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। अनिल्स एल्बम, अनिल का चित्र संग्रह। लर्निंग पॉइंट, प्रेपोजिशंस, सीखने का मुद्दा। नाम योग अव्यव। किसने किसको क्या कहा? रमेश, ओ अनिल तुम क्या कर रहे हो? रमेश, हेलो अनिल व्हाट आर यू डूइंग? अनिल, हमारे चित्र संग्रह में कुछ स्नैप चिपका रहा हूँ। अनिल, आई एम स्टिकिंग सम स्नैप्स इन आर एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। रमेश, मुझे जरा तुम्हारी फोटोग्राफ दिखाओ। रमेश, प्लीज शो मी योर फोटोग्राफ्स। अनिल, यह मेरे दादाजी और दादी माँ हैं। वह पास पास कुर्सी में बैठे हैं। अनिल, दीज आर माय ग्रैंडफादर एंड माय ग्रैंडमदर। दे आर सिटिंग ऑन चेयर्स साइड बाय साइड। रमेश, तुम्हारे पास तुम्हारी कुटुंब का संयुक्त फोटो है? रमेश, हैव यू अ ग्रुप फोटो ऑफ योर फैमिली? अनिल, यह रहा हमारा सारा परिवार। केंद्र में तुम दादा दादी जी को बैठा हुआ देख सकते हो। अनिल, हियर इट इज आर होल फैमिली। इन द सेंटर यू फाइंड द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडमदर। रमेश, दादी जी की दूसरी तरफ कौन बैठा है? रमेश, हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्रैंडफादर? अनिल, मेरे फूफा यानी पिताजी की बहन के पति। उसकी दाहिनी तरफ है, दादी माँ उसकी बाईं तरफ है, दादाजी उन दोनों के बीच में है। अनिल, माय फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड इज ऑन हिज लेफ्ट साइड, द ग्रैंडमदर इज ऑन हिज राइट साइड, द ग्रैंडफादर इज बिटवीन द टू। रमेश, दादाजी के पीछे कौन है? रमेश, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ग्रैंडफादर? अनिल, मेरे चाचा यानी कि मेरे पिताजी के भाई दादाजी के पीछे खड़े हैं। अनिल, अंकल दैट इज माय फादर्स ब्रदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ग्रैंडफादर। रमेश, और दादी के आगे जमीन पर बैठी हुई यह लड़की कौन है? रमेश, एंड हु इज दिस गर्ल स्क्वैटिंग इन
front of the grandfather. Anil, वह आशा है मेरी चचेरी बहन चाचा की लड़की. Anil, she is Asha, my cousin, uncle's daughter. Ramesh, तुम्हारी बुआ कहाँ है? Ramesh, where is your father's sister? Anil, she is just behind my father's sister's husband. She is holding a small purse in her hand. Anil, वह मेरे फूफा के बिल्कुल पीछे है. उसने उसके हाथ में छोटा सा पर्स पकड़ रखा है. रमेश, इस समूह में मैं एक बालक देख रहा हूँ. रमेश, I see a baby among the group. अनिल, हाँ वह मेरी बहन उषा है. मम्मी ने उसे हाथ में उठाया है. अनिल, yes, it is Usha, my sister. Mother is holding her in her arms. रमेश, कैसा सुंदर फोटो है. लेकिन स्कूल जाने का समय हो गया है. रमेश, वंडरफुल पिक्चर, बट इट्स टाइम टू गो टू स्कूल. अनिल, मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं. अनिल, मम्मी वी आर ऑफ टू स्कूल. मंदाकिनी, अलविदा. मंदाकिनी, बाय बाय. इतना समझ लिया जाए. हेलो अनिल, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्टिकिंग सम स्नैप्स इन आवर एल्बम ऑफ फोटोग्राफ. आई एम स्टिकिंग, मैं चिपका रहा हूँ. टू स्टिक यानी चिपकाना. इसका भूतकाल स्टक और भूत कृदंत भी स्टक होता है. आई हैव स्टक द पेजेस ऑफ द बुक. मैंने किताब के पन्ने चिपकाए हैं. टू स्टिक का अर्थ चिपकाना भी होता है. द स्टैम्प डज नॉट स्टिक ऑन द एनवेलप. कवर पर टिकट चिपकती नहीं है. टू स्टिक का अर्थ चोटे रहना या चिपके रहना होता है. जैसे कि I have stuck to my belief. मैं मेरी मान्यता से बंधा हुआ हूँ. Snaps, snapshots, यानी छोटे कैमरा से लिया गया फोटो. इस शब्द का संक्षिप्त रूप स्नैप है. क्रियापद के रूप में
इसका उपयोग होता है। दोनों उदाहरणों को देखें। These are my snaps. यह मेरे फोटो है। I have snapped you sitting on that chair. मैंने तुम्हारा वह खुशी पर बैठे हो ऐसा फोटो खींचा है। एल्बम चित्र संग्रह। फोटोग्राफ चित्र। पोस्ट की टिकट। ऐसे कोई भी संग्रह के लिए एल्बम शब्द का उपयोग होता है। उदाहरण, एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, एल्बम ऑफ पिक्चर्स। प्लीज शो मी योर फोटोग्राफ। प्लीज जरा मेहरबानी करके अंग्रेजी भाषा में, खास करके बातचीत में, यह शब्द बहुत ही महत्व का है। किसी को कोई आज्ञा देते समय ज्यादातर इस शब्द का उपयोग होता है, जैसे कि प्लीज कम हियर, जरा यहाँ आओ। प्लीज टेल मी योर नेम, मुझे जरा आपका नाम कहिए। प्लीज कॉल मी टुमारो, मुझे जरा कल फोन करना। राइट दैट लेटर प्लीज, वह कागज जरा लिखना। फिल दिस पेन प्लीज, यह पेन जरा भरो। रीड द सेंटेंस अगेन प्लीज, यह वाक्य फिर से पढ़ो। टू प्लीज यानी राजी करना अथवा राजी होना। टू प्लीज यह इफ यू प्लीज उसका संक्षिप्त रूप है। ओपन द डोर कहने के बदले हमें प्लीज ओपन द डोर कहना चाहिए, अर्थात आपको तस्दी लेने में कोई परेशानी न हो तो दरवाजा खोलो। इसी तरह कोई हमें कुछ चीज लेने के लिए पूछे तो हमें यदि हाँ कहनी हो तो केवल यस कहने के बजाय अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार यस प्लीज कहा जाता है। चाय लोगे, शक्कर लोगे इत्यादि के जवाब में यस प्लीज हाँ कहा जाता है। शो मी मुझे दिखाओ, इसका भूत कृदंत शोन होता है, जैसे कि I have shown these pictures to my friends. मैंने अपने मित्रों को यह चित्र दिखाए हैं। Have you
shown him your new house. तुमने तुम्हारा नया घर उसे दिखाया. This theater has shown this picture for 3 weeks. इस थिएटर ने यह चित्र को 3 सप्ताह तक दिखाया. These are my grandfather and they are sitting on chairs side by side. Grandfather, दादाजी. पिता के पिता या माता के पिता. Great grandfather यानी पर दादा. दादाजी के पिता या दादी माँ के पिता. ग्रैंड अर्थ भव्य होता है, जैसे कि ग्रैंड पैलेस यानी भव्य महल. ग्रैंड थिएटर यानी भव्य थिएटर. ग्रैंड पिक्चर यानी भव्य चलचित्र या चित्र इत्यादि. ग्रैंड मदर दादी माँ, पिता की माँ अथवा माँ की माँ. चेयर्स कुर्सी शब्द का बहुवचन. साइड बाय साइड पास पास में साथ साथ में. यह शब्द समूह के उपयोग दर्शाते वाक्यों को देखिए. My English books are side by side on the shelf. ताक पे मेरी अंग्रेजी की किताबें पास पास में है. I sit side by side with my friend in the class. वर्ग में मेरे मित्र के पास बैठता हूँ. Don't keep them side by side. ये दोनों को एक दूसरे के पास में न रखो. Have you a group photo of your family? Have you तुम्हारे पास है. यह have खूब ही अगत्य का क्रियापद है. इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे. ग्रुप समूह, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का समूह. अ ग्रुप ऑफ टीचर्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स. शिक्षकों डॉक्टरों इंजीनियरों का समूह. फैमिली परिवार. आर फैमिली इज स्मॉल. हमारा परिवार छोटा है. टू मेंबर्स ऑफ आर फैमिली आर इन अमेरिका. हमारे कुटुंब के दो लोग अमेरिका में है. एवरी फैमिली इन दीज हाउसेस हैज
इलेक्ट्रिकल फैंस। इस घरों में प्रत्येक परिवार के पास बिजली के पंखे हैं। हियर इट इज आवर होल फैमिली इन द सेंटर। यू फाइंड द ग्रैंड फादर एंड द ग्रैंड मदर। होल पूरा, यह शब्द में W का उच्चार होता नहीं है। रॉन्ग यानी गलत, राइट यानी लिखना, रिस्ट यानी कलाई इत्यादि। होल अर्थ स्पष्ट होने वाले कुछ वाक्यों को देखें। टेक द होल एप्पल, पूरा सेब ले लो। द होल वर्ल्ड नोज दिस फैक्ट्स, पूरी दुनिया यह हकीकत जानती है। द होल जर्नी टेक्स 2 days, पूरी मुसाफरी को 2 दिन लगते हैं। सेंटर केंद्र में, बीचों बीच। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वर्तुल का केंद्र। द सेंटर ऑफ द सिटी, शहर का बीच का भाग। द सेंटर ऑफ द गार्डन, बाग के बीच का भाग। जहां कोई प्रवृत्ति होती हो तो वह स्थान को हम केंद्र कहते हैं। उदाहरण, वह संशोधन केंद्र है। उसी तरह अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इट इज अ सेंटर फॉर रिसर्च। रिसर्च संशोधन, सेंट्रल इसका अर्थ मध्य होता है। अर्थ होगा मध्य अथवा केंद्रीय, जैसे कि सेंट्रल रेलवे यानी केंद्रीय रेलवे। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम यानी कविता का मध्यवर्ती विचार। यू फाइंड तुमको मिलता है, तुम देखते हो। हु इज सिटिंग इन द अदर साइड ऑफ द ग्रैंड फादर। ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ। अनादर और अदर के बीच का भेद समझने जैसा है। जब हम दो वस्तुओं की बात करते हैं तब द अदर कहते हैं। यहाँ द आर्टिकल का उपयोग होता है। जब बहुत सी चीजें हो और उनमें से एक की बात हो गई हो तो बहुत सी चीजें बाकी रहती है। बाकी रही हुई में से एक वस्तु का निर्देश करते समय एन आर्टिकल का उपयोग होता है।
क्लोज बंद करो. योर राइट बाई तरफ. आई आंख. तुम्हारी दाई आंख बंद करो. नाउ क्लोज द अदर. आंखें दो ही होने से एक आंख निश्चित हो गई है. बहुत सी पेन में से एक पेन निश्चित करनी हो तो हम कहते हैं कि आई डोंट लाइक पेन. प्लीज शो द अदर. मुझे यह पेन अच्छी नहीं लगती है. ऐसे दूसरे उदाहरण देखते हैं. I hear well with my right ear, but not with other. मैं मेरे दाहिने कान से आराम से सुन सकता हूँ, लेकिन दूसरे कान से सुन नहीं सकता. That is not a good apple. Take another. यह अच्छा सेब नहीं है. दूसरा कोई लो. This is my house. The other house is my friends. यह मेरा घर है. दूसरा घर मेरे मित्र का है. My father's sister's husband is on his left side. The grandmother is on right side. The grandfather is between the two on his left side. उसके बाहिनी तरफ. राइट यानी कि दाहिना और लेफ्ट यानी बाहिना. ही इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज सिस्टर. वह उसकी बहन के बाईं तरफ बैठा है. द स्टेशन इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस रोड, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड. स्टेशन रास्ते के दाहिनी तरफ आता है, बाहिनी तरफ नहीं. बिटवीन बीच में. ऐसे प्रेपोजिशन योगी अव्यव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. Who is standing behind the grandfather? Who is standing? कौन खड़ा है? To stand यानी खड़े रहना. उसके भूतकाल और भूत कृदंत के रूप दोनों stood है. जैसे कि I have stood here for half an hour. मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ.
हिंदी में चुनाव में उम्मीदवारी करने के लिए खड़े होना कहलाता है। उसी तरह अंग्रेजी में भी कहा जाता है Who is standing from that village? उस गांव में से कौन खड़ा है? Behind, पीछे, के पीछे। Please come behind me. मेरे पीछे आओ। अंकल, that is my father's brother's is standing behind the grandfather. अंकल, चाचा, मामा, मासी, फूफा। यहाँ चाचा के लिए यह शब्द उपयोग हुआ है। हिंदी में ऐसे संबंधों के लिए स्पष्ट शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं है। यानी फूफा के लिए फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड या अंकल ऐसा कहलाता है। इसी तरह आंट यानी चाची, मामी, मासी, बुआ। सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी। दैट इज यानी की। दैट इज अ पैलेस। दैट इज द किंग्स हाउस। वह महल है यानी कि राजा का घर है। दिस इज difficult, that is not easy. यह कठिन काम है यानी कि सरल नहीं है। And who is this girl squatting in front of the grandfather? Behind के पीछे, स्क्वैटिंग पैर मोड़कर बैठना। हिंदी में हम बैठी हुई कहेंगे। इस शब्द के उपयोग वाले वाक्यों को देखें। वी स्क्वैट ऑन द फ्लोर एट द टाइम ऑफ Taking our meals, अपना भोजन खाते समय हम जमीन पर पांव जमाकर बैठते हैं। Squat on this mat, यह चद्दर पर पलाथी मार कर बैठो। The dog is squatting there. कुत्ता वहाँ पांव मोड़कर बैठा है। In front of के आगे। She is Asha, my cousin. Uncle's daughter. Cousin. चाचा का, मामा का, मासी का, फूफा का लड़का या लड़की। अंकल्स सन और डॉटर। कुछ लोग कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कहते हैं। वह ठीक नहीं है, सिर्फ कजिन कहना चाहिए। जैसे कि ही इज माई कजिन। वह मेरा
चचेरा भाई है. माई कजिन लिव्स इन दैट हाउस. मेरा चचेरा भाई उस घर में रहता है. डॉटर पुत्री. सन यानी पुत्र. हिज डॉटर इज इन आर स्कूल. उसकी पुत्री हमारे विद्यालय में है. वेयर इज योर डॉटर. आपकी पुत्री कहाँ है. माई डॉटर हैज गॉन टू स्कूल. मेरी पुत्री पाठशाला में है. वेयर इज योर फादर्स सिस्टर. सिस्टर बहन. विद्यालय के शिक्षक और हॉस्पिटल की नर्स को भी सिस्टर कहते हैं. शी इज जस्ट बिहाइंड माई फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड. शी इज होल्डिंग अ स्मॉल पर्स इन हर हैंड. जस्ट ठीक बराबर. जैसे कि यू आर जस्ट इन टाइम. तुम ठीक समय सर हो. दिस इज जस्ट द राइट साइज. यह बराबर योग्य साइज है मेरे या आपके लिए. दिस इज जस्ट द रीजन. रीजन कारण. ठीक वही कारण है. जस्ट का दूसरा अर्थ अभी होता है. इसका पूर्व वर्तमान काल में बहुत बार उपयोग होता है. जैसे कि He has just arrived. वह अभी ही आ पहुंचा है. Husband पति. Wife यानी पत्नी. The husband and the wife are very happy. पति और पत्नी बहुत ही खुश हैं. The husband and the wife have gone to stay there. पति पत्नी वहां रहने गए हैं. She is holding. उसने पकड़ा है. टू होल्ड यानी पकड़ना, हाथ में रखना. उसका भूतकाल और भूत कृदंत दोनों हेल्ड होता है. व्हाट आर यू होल्डिंग इन योर हैंड. तुमने तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ रखा है. होल्ड इट वेल इन योर हैंड. तुम्हारे हाथ में वह ठीक तरह से पकड़ कर रखना. टू होल्ड अप यानी उठाना, ऊपर करना. जैसे कि होल्ड अप योर हैंड्स. तुम्हारे हाथ ऊपर करो. टू
hold up a position, यानी जगह या नौकरी पर होना, जैसे कि he is holding a high position in the company, वह कंपनी में बड़ी जगह पर है. To hold a meeting, यानी सभा की व्यवस्था करना. Hold the meeting on Sunday, रविवार को सभा का आयोजन करना. To hold shares, यानी शेयर के मालिक होना. उस पर से शेयर होल्डर, यानी शेयर का मालिक, ऐसा अर्थ होता है. We are holding a meeting of shareholders. हम शेयर होल्डर की सभा बुला रहे हैं. पर्स, थैली, पर्स, जैसे कि I have lost my purse. मैंने मेरा पर्स खो दिया है. Here's your purse. तुम्हारा पर्स यहाँ है. I see a baby among the group. A baby, बालक, बच्चा, बच्ची. अंग्रेजी में लड़का या लड़की के लिए बेबी शब्द का उपयोग होता है. बेबी फूड, यानी बालक के लिए खुराक. बेबी टॉयज, यानी बच्चों के खिलौने. बेबी का बहुवचन बेबीज होता है. बेबीज प्ले इन दिस पार्क, इस बाग में बच्चे खेलते हैं. ही इज अ बेबी इन द फैमिली, परिवार में वह बच्चे जैसा है. बेबीज ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं. अमंग, बहुतों के बीच. यस इट इज उषा, माय सिस्टर. मदर इज होल्डिंग हर इन हर आर्म्स. आर्म्स हाथ, बांह. कंधे से उंगलियों तक के भाग को आर्म कहते हैं. कलाई से उंगलियों तक के भाग को हैंड कहते हैं. होल्ड अप योर आर्म्स, तुम्हारे हाथ ऊपर करो. बेंड योर आर्म, तुम्हारे हाथ मोड़ो. वॉश योर हैंड्स एंड आर्म्स, तुम्हारे हाथ और बाहें साफ करो. आर्म्स का दूसरा अर्थ हथियार होता है. वह बहुवचन में ही उपयोगी होता है. हथियार रखने वाला लश्कर आर्मी कहलाता है. जैसे कि आर आर्मी हैज गुड
arms. हमारे लश्कर के पास अच्छे हथियार हैं. Wonderful picture. But it's time to go to school. Wonderful. बहुत ही सुंदर. Wonder यानी आश्चर्य. उस पर से यह विशेषण होता है. पर उसमें आश्चर्य के भाव उपरांत सौंदर्य या अच्छाई के भाव है. Wonderful scene यानी अति सुंदर दृश्य. Wonderful holiday यानी रंगत भरे छुट्टी के दिन. Wonderful actor यानी सुंदर नायक इत्यादि. मम्मी वी आर ऑफ टू स्कूल. वी आर ऑफ हम जा रहे हैं. ऑफ यानी दूर, जैसे कि द स्टेशन इज फार ऑफ. स्टेशन काफी दूर है. टू बी ऑफ यानी निकलना, जैसे कि वी आर ऑफ ऑन अ हॉलिडे. हम छुट्टियां मनाने निकले हैं. बी ऑफ आई हैव नो मनी टू गिव यू. चला जा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. ऑन का विरुद्धार्थी ऑफ है. इज ही ऑन ड्यूटी? नो, ही इज ऑफ ड्यूटी. वह काम पर है? नहीं, वह काम पर नहीं है. बाय बाय. बाय बाय. अलग होते समय का उद्गार. अलविदा. नमस्ते जैसा. इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं अगले लेसन में.